हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनम लॉजिक। दोस्तों कल मेरे दोस्तार को एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉब्लम आई थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करने जाते हैं और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है, तो डिलीट के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो डिलीट फॉर मी या डिलीट फॉर एवरी वन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा जो मैसेज है वो डिलीट हो जाता है। पर यह क्या होता, कल एक ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम आई थी कि कल वो बंदा क्या कि ऐसा जब सेलेक्ट भी कर रहा है तो भी उसका सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो उसको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी और कैसा उसका सॉल्यूशन मिला, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपको अगर ये डिलीट की प्रॉब्लम आपको भी आ रही है कि आप अगर आप ऐसा सेलेक्ट कर रहे हो, वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपसे डिलीट नहीं हो रहा, कोई भी मैसेज आपसे फॉरवर्ड तो हो गया लेकिन अभी डिलीट करना है वो डिलीट नहीं हो रहा है, तो दोस्तों ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं, ठीक है। वो बहुत ही सिंपल है, ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन 24 घंटे का वक्त इसमें लग जाएगा जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने वो दोस्तार का जो ऐसी प्रॉब्लम आई थी उसके लिए मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप की तो सारी सेटिंग कर ली फिर भी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, अब क्या किया चलिए मैं बताता हूं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल अनम लॉजिक को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए और मेरा जो दूसरा चैनल है नॉलेज ऑफ आसिम उसके ऊपर भी विजिट करके वीडियो देख के उसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। अब मैं क्या किया गया, सीधा मैंने क्या किया गया, बाहर निकल गया, यहां से मैंने बाहर निकल गया, ये जो डैक्स बोर्ड है यहां पे मैं आ गया, जो व्हाट्सएप जैसे हम ओपन करते हैं वहां पे मैं आ गया। उसके बाद यहां पे तीन डॉट का जो बटन आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर मैंने क्या किया, चला गया। तीन डॉट के बटन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो सेटिंग है ना दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चला गया मैं सेटिंग में। जाने के बाद यहाँ पे मैंने प्राइवेसी सिक्योरिटी सारी सेटिंग मैंने कर ली फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, चैट हिस्ट्री मैसेज वगैरह सब में मैंने कर लिया फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो लास्ट में मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैं हेल्प का जो इनका जो हेल्प सेंटर है इसके ऊपर मैं चला गया। यहाँ पे हेल्प सेंटर के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आप हेल्प सेंटर में भी जा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये डायरेक्ट आपको गूगल पे लेके चला जाएगा। और उसके बाद आपको ये दूसरा जो ऑप्शन आता है ना कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको क्या करना है, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको क्या करना है, यहां पे डाल देना है। तो दोस्तों मैंने कुछ इस तरीके का मैसेज कर दिया कि नो मैसेज गेटिंग डिलीटेड फ्रॉम व्हाट्सअप, यानी कि व्हाट्सअप से मेरे व्हाट्सअप से कोई भी मैसेजेस क्या है डिलीट नहीं हो रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया कि नेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद उनका क्या है कि रिप्लाई आता है, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि स्क्रीन शॉट भी मैंने क्या किया उनको सेंड कर दिया। जैसे कि हम यहाँ पर अगर नेक्स्ट करते हैं तो डायरेक्टली क्या है कि डायरेक्टली ये कि वो उनके जो हेल्प सेंटर है उसके ऊपर वो चला जाता है, यानी कि व्हाट्सअप, यानी कि हाउ टू डिलीट मैसेज अबाउट मूविंग, इसमें से कोई भी आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है कि आपको क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्या है कि डिलीट का आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। हाउ टू डिलीट मैसेजेस, यानी कि कैसे मैसेज डिलीट करें करके, तो यहां पे इनकी ये प्रॉब्लम थी, ये इसके ऊपर क्या करना है आपको क्लिक करके आपको क्या करना है, सेंड माय क्वेश्चन टू व्हाट्सएप सपोर्ट के ऊपर क्या करना है, चला जाना है, ठीक है। तो यहां पे जाने के बाद क्या है कि उनका वहां से रिप्लाई आएगा, ठीक है, आपसे क्या है कि स्क्रीनशॉट मंगवाएगा कि क्या चीज की प्रॉब्लम है, तो वो स्क्रीनशॉट अगर आप भेज देते हो तो दोस्तों मैंने सुबह मेरे दोस्तार के साथ में सुबह जैसे पूछा कि भाई वो तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो उसने बोला कि भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, सुबह जैसे ही मैंने उठ के देखा और मैंने कोई भी मैसेज के ऊपर क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है, वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई है। यहां पे देखिए मैं जैसे यहां पे जाता हूं और यहां पे देखिए ये पहले क्लिक नहीं होता था, अब ये क्या है कि क्लिक होता है और ये डायरेक्टली क्लिक होने के बाद सेलेक्ट भी होता है, यहां पे डिलीट का ऑप्शन भी आता है और यहां पे डिलीट फॉर एवरीवन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये डिलीट भी हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो सुबह 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली क्या है उसकी सॉल्व हो गई थी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि व्हाट्सएप से आपके जो मैसेजेस हैं वो फॉरवर्ड तो हो गए लेकिन डिलीट नहीं हो रहे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डेंजर हो जाते हैं, अगर आपको कोई चीज नहीं भेजनी होती है वो आपकी अगर गलती से चले जाती है और वो डिलीट नहीं हो तो यहां पे आपको थोड़ा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से आप क्या कीजिए कि ये प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर सारी सेटिंग करने के बाद नहीं होता है तो आपके पास व्हाट्सएप का हेल्प नंबर है, हेल्प है, जहां पे आप उसको मैसेज करने के बाद 24 घंटे में आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मेरे दोस्त की जिस तरीके से सॉल्व हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं भी आपके साथ में ये जो प्रॉब्लम उसके साथ में कल रात में हुई थी वो प्रॉब्लम जो है आपके साथ में भी अगर हो रही है तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैंने अपना जो था वो आपके साथ में शेयर किया, मतलब मेरी जो बात थी कल के जो दोस्तार के साथ में जो हुआ था वो आपके साथ में शेयर किया ताकि आपकी भी प्रॉब्लम क्या है सॉल्व हो जाए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरा जो दूसरा चैनल है नॉलेज ऑफ आसिम उसके ऊपर भी विजिट करके उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।